मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उद्योग विभाग की ओर से आयोजित स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने 10 प्रतिभागियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में घोषणा की कि स्टार्टअप उत्तराखंड के तहत आइडिया ग्रैंड चैलेंज के रूप में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि अब 50,000 रूपये से बढ़ाकर 2,00,000 दी जाएगी। साथ ही स्टार्टअप को 1 साल तक दिया जाने वाला मासिक भत्ता भी 10,000 रूपये से बढ़ाकर 15,000 रूपये कर दिया जाएगा। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने एससी एसटी दिव्यांग और महिलाओं को दिए जाने वाला मासिक भत्ता 15,000 रूपये से बढ़ाकर 20,000 रूपये करने की भी घोषणा की। और मुख्यमंत्री इसके साथ ही इन्वेस्ट इंडिया की ओर से तैयार की गई वेलनेस रिपोर्ट का विमोचन भी किया। पहले जो मासिक प्रोत्साहन राशि 15,000 मिलती थी उसको 20,000 जो एससी एसटी और विकलांग के क्षेत्र में 15,000 से 20,000 किया है, और जो सामान्य स्टार्टअप हैं उनको 10,000 मिलती थी उसको हमने इसी प्रोत्साहन की योजना के अंतर्गत कि उनका प्रोत्साहन हो उसको 15,000 करने का, और जो ग्रैंड जो इस प्रकार का चैलेंज जो हमारा होता है उसमें हमने 50,000 से 2,00,000 करने का जो है निर्णय किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार युवाओं को इनोवेटिव कार्यों और उनके विचारों को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे तमाम योजनाओं के जरिए देश में काम करने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहन मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य में रोजगार के अवसरों में वृद्धि का प्रयास किया गया है। नवाचारों को उद्यम में परिवर्तित करने और युवाओं की सृजन शीलता को सकारात्मक दिशा देने के उद्देश्य से स्टार्टअप नीति लागू की गई है। इस नीति के माध्यम से युवाओं को रोजगार सृजन की ओर प्रेरित कर स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करने का प्रयास किया गया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत बने, लोकल फॉर वोकल, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे अनेकों कार्यक्रम शुरू किए हैं स्टार्टअप इंडिया, तो इसमें हमारे उत्तराखंड के स्टार्टअप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको आज प्रोत्साहन के रूप में हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित भी किया है। वो एक पायदान आगे बढ़े हैं और लीडर की श्रेणी में आ गए हैं, आगे और अच्छा काम करेंगे। जो कि प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत बने, उस आत्मनिर्भर भारत बनाने की कड़ी में स्टार्टअप की बहुत बड़ी भूमिका है, और हमारी सरकार भी स्टार्टअप को प्रोत्साहन करने के लिए उसकी जो हमारी नीति है पूरी तरह से उनका सहयोग करके, उनका प्रोत्साहन करके उनको आगे बढ़ाने की है।